आज के आरोग्य सभा में हम आपके बीच में कुछ जड़ी बूटियों को लेकर के आए हैं, कुछ औषधीय पौधों को लेकर के आए हैं। और ये औषधीय पौधे हमारे घर के इर्द गिर्द में, हमारे गांव में सदियों से, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है, तब से ये सारे पौधे हमारे बीच एक परिवार की तरह, एक परिवार के सदस्य की भांति हमेशा साथ निभाते हैं। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आंख बंद करते हैं, मन शांत, मेरुदंड बिल्कुल सीधा, लंबे गहरे सांसों के साथ एक बार ओम का उच्चारण और एक बार गायत्री मंत्रों का हम जप करेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम आप सभी देवी आत्माओं को। मैं डॉक्टर ब्रिजमोहन पतंजलि योगपीठ हरिद्वार आप सबके बीच में आरोग्य सभा का यह कार्यक्रम बिहार प्रांत के भोजपुर जिले के अग्याव प्रखंड के ऐतिहासिक धोबहा गांव में रखा गया है। और आप सभी माँ बहनें, छोटे छोटे बच्चे, पिता तुल अभिभावक यहाँ उपस्थित हैं। सबको एक बार में पतंजलि योगपीठ की तरफ से एक बार प्रणाम करते हैं। और हमारे हाथ में ये पीपल का जो आप देख रहे हैं स्वरूप, ये पीपल इतना पवित्र है कि पीपल की पूजा सदियों से हम करते आए हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि यदि वृक्षों में कोई है तो वृक्षों में मैं ही हूँ पीपल। वाणी में यदि कोई है तो आप ओम का उच्चारण जब करते हैं तो भगवान कृष्ण ने कहा कि वाणी में मैं ही ओम हूँ, पीपल में मैं, जो वृक्षों में यदि कोई है तो यानी पीपल ही मैं हूँ। तो पीपल, तुलसी, नीम, गिलोय, आम, जामुन या आपका बेल, छोटे छोटे जो औषधीय पौधे हैं वो भी हमारे गाँव उपस्थित हैं। मकोए है, या आपके पास में धतूरा से लेकर के आपके पास में धूप से लेकर के तमाम जड़ी बूटी उपलब्ध है। बस ज़रूरत है उसके महत्व को समझने का और उसके औषधीय गुणों के बारे में जानने का। तो आज हम आपके बारे में पीपल और अर्जुन, ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण औषधीय पौधे को लेकर के मैं आया हूँ और बताऊँगा कि क्या क्या इसके लाभ हैं। अभी जो आप देख रहे हैं ये है अर्जुन, इसे पहचान रहे हैं आप लोग, इसको कहुआ भी कहते हैं गांव में। तो ये अर्जुन का पौधा है और अर्जुन अभी हमारे रोड किनारे सड़क पर दोनों तरफ लगाया हुआ है, सरकारी स्तर पर भी। तो दुनिया में किसी भी तरह का, किसी को यदि हार्ट का प्रॉब्लम है, यदि हृदय की कोई समस्या है, यदि हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है या कोई चर्म रोग की समस्या है, तो आप अर्जुन के पेड़ से उसके छाल को निकाल लेते हैं और उसमें से 4 से 5 ग्राम प्रतिदिन उसके छाल को कूट करके आप दूध में डाल करके उबाल करके काढ़ा बना करके पी सकते हैं। सुबह शाम खाली पेट में दूध नहीं है तो आप पानी में उसे डाल करके उबाल करके पियेंगे। तो किसी को हाँप की बीमारी है, किसी को शरीर में होता है ऐसा, शरीर फूल गया है, ताकत नहीं मिल रहा है, तो उसमें भी बहुत लाभकारी करता है। किसी को सीढ़ी पर चढ़ने में दम फूल जाता है, उसके भी बहुत लाभकारी है। यानी हृदय संबंधी किसी भी प्रकार की बीमारी को आप दूर भगाना चाहते हैं तो आज से ही आप अर्जुन के छाल के काढ़े बना करके शुरू कर दीजिए पीने। जैसे बाजार में ये अर्जुना रिष्ट के भी नाम से आता है और ये करीब 100 रुपये का आधा लीटर बिकता है, इतना महंगा है। और सबसे लाभकारी है कि आप इसका ताज़ा, जब इसके छिलके को इस्तेमाल करेंगे, छाल को काढ़ा बना करके, तो आप हृदय संबंधी किसी भी बीमारी, चाहे कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो, चाहे आपका हृदय में ब्लॉकेज की समस्या हो, या किसी को हार्ट अटैक की संभावना है, या किसी को हार्ट का ऑपरेशन होने की नौबत आ चुकी है, उन सारे समस्याग्रस्त व्यक्तियों को आप अर्जुन के छाल का सेवन आज से ही शुरू करा दीजिए। आप लंबे गहरे सांस को भरते रहिए और भस्त्रिका प्राणायाम हमेशा करना है। जितना लंबा गहरा सांस भरेंगे उतना ही हम लंबे समय तक जीवित रहेंगे और निरोग अवस्था में रहेंगे। बीमार होकर के लंबा जीना
हमारे लिए कलंकित माना गया है।